तो दोस्तों अभी टीवीएस कंपनी की तरफ से कल ही लॉन्च हुआ है दुबई के अंदर टीवीएस का एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है टीवीएस एक्स। और ये जो स्कूटर है ना, तो भाई ये देख ही सकते होंगे, देखने में तो क्रेयॉन से इंस्पायर्ड है। बाकी भाई इसी स्कूटर के अंदर बहुत सारे कुछ फीचर्स देखने को मिलता है दिया हुआ कंपनी की तरफ से, जिसके बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो दोस्तों पहले बात तो कल दुबई के अंदर लॉन्च हुआ है टीवीएस का ही एक और न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है टीवीएस एक्स। और ये जो स्कूटर है ना, तो ये भाई एक क्रेयॉन वाला जो स्कूटर है, बहुत दिनों पहले जो देखा गया था, तो वो वाले स्कूटर से ही इंस्पायर्ड, मतलब लुकिंग वाइज जो है ना, तो वो ये वाला स्कूटर है, मतलब टीवीएस एक्स। बाकी तो है, ये जो टीवीएस एक्स वाला स्कूटर है, तो इसके अंदर आपको लाइट्स का सेटअप जो है, तो वो आपको एलईडी के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक के साथ में सिंगल चैनल एबीएस का ऑप्शन। और इसके अलावा इस वाले स्कूटर के अंदर आपको सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे देखने को मिलेगा जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर है, तो वो ही। और इसके ही साथ साथ दोस्तों ये भी आपको बता दूं कि इस वाले स्कूटर का जो 0 to 40 है ना, तो वो अचीव करता है 2.6 सेकंड के अंदर अंदर। और इसके अलावा ये स्कूटर जो 0 to 60 जाता है ना, तो वो है भाई 4.5 सेकंड के अंदर अंदर। बाकी तो भाई इस वाले स्कूटर का जो टॉप स्पीड है ना, तो वो 105 kmph है, मतलब कि 105 kmph जो है, तो वो ही है। और बाकी तो भाई इस वाले स्कूटर के अंदर आपको जो बैटरी देखने को मिलेगा ना, तो वो भाई 3.8 किलोवाट वाला है, जिसको बोला जा रहा है कि 140 किलोमीटर तक जो है, तो वो रेंज देने में सक्षम है। मतलब ये IDC वाला जो कुछ सीन है ना, तो उसके ही अंदर है। और इसके अलावा ये भी है कि इस वाले स्कूटर का जो ये बैटरी है ना, तो ये अगर आप लोग थोड़ा बहुत फास्ट चार्जिंग से अगर चार्ज करोगे, तो भाई ये 0 to 50 जो है ना परसेंटेज, तो वो एक घंटे के अंदर अंदर अचीव कर लेता है। और इसके अलावा तो भाई ये टीवीएस एक्स वाला जो स्कूटर है, तो इसके अंदर तीनों न्यू राइडिंग मोड्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको एक देखने को मिलेगा एक्स हेल्थ, और एक है एक्स टाइट, और एक है भाई एक्सोनिक। तो यही है भाई तीनों राइडिंग मोड्स। और इसके अलावा दोस्तों इस वाले स्कूटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस जो भी बताया जा रहा है ना, तो वो है 175 mm। और इसके ही साथ साथ इस वाले स्कूटर के अंदर आपको जो अंडर सीट स्टोरेज जो देखने को मिलेगा, तो वो है 19 liter। और इसके अलावा और भी कई सारे कुछ फीचर्स जो है ना, तो वो भी इस वाले स्कूटर के अंदर दिया गया है, जैसे कि भाई एक जो है ना, तो वो है अलर्ट फॉर क्रैश। और इसके ही साथ साथ ओवर स्पीडिंग का जो है, तो वो भी एक अलर्ट देखने को मिलता है दिया हुआ। और इसके अलावा जो थ्रेट अलर्ट जो है, तो वो भी कुछ दिया हुआ है। और इसके अलावा जियो फेंसिंग वाला जो कुछ सीन है, तो वो भी कुछ दिया गया है। और इसके ही साथ साथ ये भी है कि आप जिस भी जगह पर तरीके से, मतलब रैश ड्राइविंग करते हो, या फिर जो भी गलत तरीके से चला रहे हो, या फिर क्रैश कर रहे हो, तो वो जो पूरा का पूरा जो डेटा है ना, तो वो आपके कुछ कुछ जगह पर जो है, मतलब इंपॉर्टेंट वाला जो जगह है, तो उसी जगह पर ट्रांसफर करने में सक्षम है। और इसके ही साथ साथ ये भी है कि इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है और भी कुछ चीजें, जिसमें से तो भाई एक जो है, तो वो है भाई नेविगेशन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो सीन है, तो ये भी देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई ये जो स्कूटर के अंदर मीटर कंसोल जो दिया गया है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे कुछ फीचर्स दिया गया है। और इसके अलावा भाई और भी कुछ चीजें हैं जो कि सुनने के बाद आप लोग भी चौंक जाओगे, और उनमें से जो एक है ना, तो वो है भाई ये पहले स्कूटर का जो मोटर है ना, तो भाई शुरू में तो वो 7 kW तक का जो पावर है, तो वो देने में सक्षम है, लेकिन भाई बाद में जाके जो टॉप स्पीड भी, या फिर जो मतलब टॉप तक जो खींचने के जो वाला है ना, तो वो भाई 11 kW तक है। मतलब ये जो मोटर है ना, तो ये भाई पावरफुल तो है भाई अपने जगह पर। और इसके अलावा और एक जो चीज जो कि भाई आपको चौंका देगा, और वो जो है ना इस वाले स्कूटर का कीमत है। और अब देखो दोस्तों इस वाले स्कूटर का जो कीमत रखा गया है ना, तो वो अभी के रेट में बोला कुछ ऐसा ही जा रहा है कि 2.49 lakhs, मतलब कि भाई ऑलमोस्ट 2.5 lakh का जो है, तो वो ये स्कूटर है एक शोरूम प्राइस। फिर भी अब तो भाई फिर भी ये जो ऑन रोड प्राइस है, तो वो आना बाकी है। अब दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि ये जो स्कूटर है ना, तो ये आपको कैसा लगा, और इसका कीमत आपको कैसा लगा। बाकी ये जो स्कूटर है, तो ये क्या इस इंडियन मार्केट में पॉपुलर भी होगा या फिर नहीं, तो भाई ये मुझे कमेंट करके बता देना। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।